डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। तबिश के नाम पर खाकी का कहर सामने आया है। मिठाई की दुकान से पैसे निकालने की शिकायत पर दबिश देने पहुंची रेलवे रोड थाना पुलिस ने बेटे के ना मिलने पर बाप के सर में राइफल की बट मारकर लहूलुहान कर दिया। इतना ही नहीं, वृद्ध माँ को धक्का देते हुए नीचे गिरा दिया। इस दौरान सिपाही लगातार वृद्धा को थप्पड़ मारने की चेतावनी देता रहा। शोर शराबा होने पर वहाँ भीड़ जमा हो गई। सभी ने दरोगा से बार बार पूछा कि इसके सिर में बट क्यों मारा, लेकिन पुलिस कोई जवाब नहीं दे पाई। जब फर्स्ट बाइट टीवी ने रेलवे रोड थाना प्रभारी से इस बात की जानकारी चाही तो उन्होंने यही जवाब दिया कि पुलिस पर दबाव बनाने के लिए बाप ने दीवार में सर मार लिया होगा, उसे कोई बट नहीं मारी गई। दरअसल रेलवे रोड थाना पुलिस बीती रात ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में बेस्ट स्टार कॉलोनी में इकबाल के घर दबिश के लिए गई थी। बकौल पुलिस, मिठाई की दुकान पर जेब काटने के मामले में पुलिस इकबाल के बेटे इरफान की तलाश में गई थी। इरफान वहां नहीं मिला। इकबाल की वृद्ध माँ ने यह जानकारी दी। मैं तो लेटी हुई थी, मुझे पेशाब लगा, मैं आई थी बाल निकल के, इन्होंने खटमुंडी खटखटाई, मेरे किवाड़ खोला, सो मुझे जो करके धक्का दिया, मैं कही आए कौन, तो भगा कौन थे? पुलिस वाले थे, पता नहीं कौन से पुलिस वाले थे, कौन थे भैया, कहाँ से आए थे, है ना। जब इस लौंडे को घसीट के बाहर निकाला, ये एकदम उतर के आया नीचे से पकड़ के, आपके लड़के का इकबाल, इसे पकड़ के लेके खींच के गए। जब इसके देखा मैंने खून, तो मैंने फिर पकड़ा, ये क्या जान से मार दोगे तुम, इसे जान से मार दोगे, मैंने जो करके कराए। तो जब मुझे दो दफे धक्का दिया वहाँ पे, मैं गिर गई। एक कह रहा चांटा मारूंगा तेरे, एक कह रहा चुपचाप बैठ जा, चांटा मार दूंगा। अच्छा, घर में भी घुसे थे लोग? यहाँ पे, यहाँ पे जब घर में घुसे थे, जब चुपचाप रही थी, घर में घुसे थे, हाँ मुझे धक्का दिया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ।